सलमान खान ने बॉलीवुड में कई स्टार्स के साथ काम किया है, लेकिन अब चर्चा है कि सलमान बॉलीवुड के ग्रीक गॉड के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे और वो भी फिल्म टाइगर 3 में। जी हाँ, साल 2022 की सबसे हाई बजट और बिग स्टार्स फिल्म टाइगर 3 का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। टाइगर 3 में सलमान खान और कटरीना कैफ के साथ शाहरुख खान का भी कैमियो है। लेकिन इसी के साथ जो ताज़ा जानकारी सामने आई है वो ये कि अब ऋतिक रोशन भी एक खास रोल में टाइगर 3 में सलमान के साथ नजर आ सकते हैं। बॉलीवुड फैंस के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा अगर सलमान खान शाहरुख खान के साथ ऋतिक रोशन भी एक फ्रेम शेयर करते हुए दिखते हैं। वैसे यशराज बैनर एक साथ शाहरुख खान, सलमान, कटरीना, ऋतिक रोशन को लाने की प्लानिंग में है। बताया जा रहा है कि फिल्म रिलीज से पहले ऋतिक का कैमियो फैंस के लिए सरप्राइज ही होगा। देखा जाए तो सूर्यवंशी के बाद तीन हीरो का एक साथ एक फ्रेम में आना हिट फॉर्मूला बन गया है। सूर्यवंशी फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी कहीं ना कहीं अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणवीर सिंह का एक साथ आना भी था। और ठीक ऐसा ही नजारा अब सलमान की टाइगर 3 में देखने को मिल सकता है। वैसे खबर के मुताबिक यशराज बैनर स्पाई फिल्म बनाने की योजना में है। टाइगर के बाद शाहरुख खान के साथ सीरीज फिल्म तैयार की जाएगी। मुमकिन है कि ये पठान के हिट होने के बाद ठीक टाइगर सीरीज की तरह पठान सीरीज देखने को मिलेगी और ऋतिक की वॉर पहले से ही सीरीज फिल्म के लिए तैयार कर चुकी है। वैसे आपको बता दें कि अभी तक इस बात की ऑफिशियल कंफर्मेशन या अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि टाइगर 3 में शाहरुख के बाद अब ऋतिक की भी एंट्री हो गई। फिलहाल टाइगर 3 का बजट 250 करोड़ से ज्यादा बताया जा रहा है। इस बार हॉलीवुड लेवल के एक्शन सीन के साथ कटरीना कैफ भी दमदार एक्शन सीन्स देती हुई नजर आएंगी। सलमान की टाइगर बॉलीवुड की अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल है। टाइगर 3 की कमाई का आंकड़ा भी 300 करोड़ के पार होने की उम्मीद की जा रही है। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।